की थोनू पता है कि दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले 1.5 साल तो कोई यात्रा भत्ता नहीं लिया। जी हाँ, तुसी सही सुनिया, दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावें यात्रा बहुत करते ने पर पिछले 1.5 साल तो उन्होंने दिल्ली सरकार तो कोई भी यात्रा भत्ता नहीं लिया। एक खुलासा होया है एक RTI दे विच, RTI जिहड़ी कि सीधी दिल्ली सरकार नूं पाई गई सी ते जिस दे विच ये पुछा गया सी कि दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तनखाह किन्नी है ते वो यात्रा भत्ता किन्ना लैंदे ने, जिसका जवाब आया ते जवाब दे विच यही पाया गया कि पिछले 1.5 साल तो अरविंद केजरीवाल ने अपना कोई भी यात्रा भत्ता नहीं लिया। इस पूरे RTI के खुलासे संबंधी असी गलबात की है बठिंडा के RTI एक्टिविस्ट राजनदीप सिंह दे नाल, ते वो की कह रहे हैं असी तुहानू सुना रहे हैं। तुसी केड़े विभाग नू RTI पाई सी, कदों पाई सी, की थोड़े वालों पुछण की कोशिश की गई सी? मैडम, मैं ये अपनी RTI 24/9/2023 नू दिल्ली असैम्बली नू पाई सी। मैं अपने वालों मंगी की जानकारी पहला तुहानू दसना चाहुंदा भी मैं उन्हां तों एक तां अरविंद केजरीवाल जी की सैलरी ते अलाउंस ट्रैवल अनाउंस जो भी उन्होंने लोकल या फॉरन ट्रैवल लई अनाउंस ले आ उन्हां बारे वेरवा मंगया गया सीगा उन्हां तों जी। तां उन्होंने मैनू रिप्लाई किया जी, मार्च 2015 तों लैके हुण तक भी जदों की RTI मैं पाई है 24/9/2023 तक भी किन्ने ट्रैवल अनाउंस ले गए, तो मैं तुम दसदा भी उन्होंने वालों जो मैं रिप्लाई आया गा मार्च 2015 तो लैके अप्रैल 2022 तक रिप्लाई आया गा भी उदों तक उन्होंने 113 जिहड़े आ ट्रैवल अनाउंस ले गए है। ठीक है जी, ठीक है जी। उस तो हैरानीजनक गल ये है भी जे हर महीने 3 तों 4 जिहड़े ट्रैवल अनाउंस ले जा रहे थे दिल्ली गवर्नमेंट तो, बट जदों की पंजाब दे विच सरकार आ गई अप्रैल 2022 तो बाद हुण तक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली तो एक भी ट्रैवल अनाउंस नहीं लिया गया। क्योंकि देखा जाए तो जां टूर बंद हो गए मैडम, ठीक है, अरविंद केजरीवाल कितने जाते नहीं, पर जिहड़ा जग जाहिर आ भी यार अरविंद केजरीवाल हुण तां पहलां तां सगों महीने च 3 तों 4 बार जाते सी, पर हुण जिहड़ा डेली लगभग हर 2 दिन बाद ही कदे आपदी पार्टी का प्रचार करने वास्ते इलैक्शन वाले टाइम कदे मध्य प्रदेश जाते हैं जी, कदे किहड़ी स्टेट जाते हैं, तां उह जिहड़ा खजाना उह जिहड़ा पैसा वरत्या जा रहा उह पंजाब दा वरत्या जा रहा, जिथे कि भगवंत मान साहब कहिंदे आ वी साडे हत्थां दे विच पंजाब दा पैसा सेफ है, ते उह सिर्फ केजरीवाल की वाहवाही लई प्रमोट करन लई वरत्या जा रहा। दूजे पासे जे पंजाब दे विच असीं सिविल एविएशन तो मंगदे हां तां साडे जहाज का खर्चा दिता जाए तो वह उन्हां वल्लों नकारिया जा रहा है। तुसीं कोशिश कीती सी? मैं कोशिश बहुत कीती है जी, लगभग 9 महीने हो गए RTA पई हुई है, अपील ते चली जांदी है जी, वह भी कट लांगे। उस RTA दे विच तुसीं की पुछया होया? उस दे विच सिर्फ खर्चा पूछा जी, जिहड़ा पंजाब दा मुख्यमंत्री वालों जिहड़े पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आ उन्हां वालों हवाई जहाज उत्ते जो खर्चा कीता गया उसका वेरवा दिता जावे? ओह तुहानूं नहीं दिता जा रहा? ओह दिता नहीं जा रहा जी। ठीक है, क्योंकि मैं तुहानूं दसना चाहुंदा जी अरविंद केजरीवाल RTI अवार्ड RTI दा अवार्ड आ मैगासेसे अवार्ड वालों सन्मानित होए गए आ, पर जदों दी इहनां दी सरकार पंजाब दे विच आ गई RTI दा कान लगातार चल रहा है जी, चाहे वह विरोधी धिर हो चाहे जो उन्होंने विरुद्ध कोई भी आवाज उठा हो, बस झूठे परचे दे के अंदर सीटन से हुए पे बदले की राजनीति करी जा रहे जी। तो जो ये दसिया भी अप्रैल 2022 तो जो तो पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उस तो बाद खर्चिया का पता लग सकिया भी खर्चा किन्ना होया अरविंद केजरीवाल के वलों हवाई सफर के उ किन्ना खर्चा किया गया? देखो जी, दिल्ली सरकार तो उन्होंने लिया ही नहीं, जे लिया होंगे तो डिपार्टमेंट भेजता, क्योंकि जिहड़े मेरे वालों सूचना मंगी गई सी सितंबर 2023 तक मंगी गई सी, क्योंकि दिल्ली सरकार तो जे खर्चा लिया होंदा जिथे उन्होंने 113 बिल भेजे आ तां 10-15 बिल होर भेज सकते सी, पर उन्होंने खर्चा ही नहीं लिया, लिया तो सिर्फ अप्रैल 2022 तक जदों दी पंजाब दे विच सरकार बनी, उस तो बाद उन्होंने 0 रुपया भी नहीं दिल्ली गवर्नमेंट तो लिया जी। एक मैं चीज होर जानना चाहती सी, हुण जिवें तुसीं RTI राहीं इह जानकारी लै ली है, इस तो बाद फिर तुसीं इस जानकारी दे नाल अगे की एक्शन प्लान करदे हो, किस तरीके इसे जानकारी नूं मतलब इह फायदेमंद जिहड़ी है उह साबित हो सकदी है? देखो जी, मैं गवर्नर साहब नूं मिलूंगा जी, मैं इह सारा रिकॉर्ड पेश करूंगा भी पंजाब दे खर्चे दे उत्ते जी तुसी अरविंद केजरीवाल की प्रमोशन कर रहे हो, जो कि ना तो वह पंजाब का कोई होली सोली कोई उदे कोले सरकारी अहुदा, दिल्ली का मुख्यमंत्री है जी, वह हाँ दिल्ली खर्चे करे, उत्थे LG बैठा जी, दिल्ली तो जे कोई खर्चा लेना तो LG तो परमिशन लेनी पैंदी है, उत्थे हुण पहला तो यह जाते सीगे इकोनॉमी क्लास के, हुण इन्हां दे हत्थ प्राइवेट जैट लग चुका जी पंजाब का, जिहड़ा कि VIP है। ठीक है जी,
मैं सारी रिपोर्ट बना के गवर्नर साहब को पेश भी करूंगा जी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ आया होवे थे अकाली दल दे आगू चुप ना रहन ए भी नहीं हो सकता। विक्रमजीत सिंह मजीठिया दा नाल दी नाल ट्वीट आ गया। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने ट्वीट करदिया होया लिखिया कि ए दिल्ली मॉडल है, ए नवा दिल्ली मॉडल है कि दिल्ली दा जेड़ा खर्चा है वह पंजाब दे लोकां दे सिर ते पाया होया है। पंजाब जिथे एक पासे कर्जे दी पंड चुकी खड़ा है उत्थे ही दिल्ली दे मुख्यमंत्री दे हवाई सफर दा खर्चा भी पंजाब दे लोकां दे सिर पाया जा रहा है। विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आरटीआई दीआं तस्वीरां जिहड़ियां उह वी नाल सांझीआं कीतीआं ने ते नाल दी नाल इह वी लिखिआ है कि पहला कमर्शियल प्लेन वरतदा सी आम आदमी पार्टी आम आदमी वांगू, हुण प्राइवेट प्लेन वरतदा है खास आदमी वांगू। पंजाब दे लोकां ते पै रहा दिल्ली दे मुख्यमंत्री दा खर्चा, इतिहास च पहली बार होया है कि 3.5 लाख करोड़ रुपए दा कर्जा पंजाब ते होवे फिर भी पंजाब दे लोकां नूं दिल्ली दे मुख्यमंत्री दा खर्चा चुकना पवे। केवल ए नहीं, केजरीवाल नूं दित्ते 100 गनमैनां दा खर्चा भी पंजाब दे लोक चलदे ने। यह है दिल्ली मॉडल, रिमोट कंट्रोल नाल चलदी है पंजाब सरकार। असल मुख्यमंत्री दसो कौन, भगवंत मान जां केजरीवाल? यह फिर विक्रमजीत सिंह मजीठिया दे वल्लों सवाल चुके गए ने। हुण आम आदमी पार्टी दे वल्लों की जवाब आउंदा है वह देखना होएगा।